दोस्तों लेखपाल भर्ती में कुल मिला के 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जब आप परीक्षा हाल में होंगे। तो सामान्य हिंदी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य हिंदी से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और ये भी देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे। हिंदी में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है शब्दों के सही अर्थ को समझने की, साथ ही साथ व्याकरण संबंधी जो त्रुटियाँ होती हैं वो तो अलग होती हैं। तो इनको ठीक करने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और ये स्कोर आपको औरों से आगे रखेगा। तो पहला ही क्वेश्चन है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो संरचना का मतलब संगठना से भी होता है, रचना विन्यास से भी होता है और विरचित से भी होता है, लेकिन उद्भावना का अर्थ कल्पना से होता है और कल्पना जो है यह संरचना से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रसों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्रोध होता है, ठीक है। अच्छा भय जो है किसका अस्थाई भाव है, भय, तो भयानक रस का भय होता है। उत्साह ये वीर रस का भाव होता है। विस्मय ये अद्भुत रस का होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सत शास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सत शास्त्र का में कौन सी संधि है, तो ये भी हो सकता है। फिलहाल सत शास्त्र में है व्यंजन संधि और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सत धन शास्त्र होगा, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए कौटिल्य का विलोम शब्द पूछा गया है। कौटिल्य का मतलब क्या होता है। कौटिल्य का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, और कूटनीतिज्ञ का विलोम क्या होगा, जो सीधा साधा हो, यानी कि आर्जव, तो ये इसका सही जवाब है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, तो यह एक पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु। तो देखो फ्रेंड्स ए और ए का जो उच्चारण होता है वो कंठ तालु से होता है, तो इसमें सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और ये भी याद रखना कि कंठ और ओंठ से मिलाकर जो उच्चारण आता है वो ओ औ और अ का आता है, ठीक है। तो हमारा जवाब ऑप्शन बी है। शुद्ध वाक्य चयन करें तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें से प्रश्नों को पढ़िएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए ये शुद्ध वाक्य हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द जो सौदा होता है उसका बहुवचन, मैंने आपसे एक सौदा किया, और अगर ये होगा कि उसने बहुत सारे सौदे किए तो उसका रूप जो होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। निधन कलंक का सही संधि शब्द होगा निष्कलंक, आप तो जानते ही हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। और एग्ज़ाम में अगर पूछा गया कि निधन कलंक में कौन सी संधि है, तो देखो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो मतलब इसमें विसर्ग संधि है। पर किस कारक का परसर्ग है, पर जो होता है ये किस कारक का परसर्ग माना जाएगा, तो अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड संज्ञा का वह रूप जिसके क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। और आपको यह भी याद होगा कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह इसकी विभक्ति में और पर होती है, और भी शब्द जैसे कि भीतर अंदर ऊपर बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। अमनिका विलोम शब्द, अमनिका अर्थ क्या होता है, अमनिका मतलब धरती से है, विलोम इसका हो जाएगा आकाश यानी कि अंबर। कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते समय आपकी आवाज़ जो आपका स्वर है वो अंदर ही अंदर संघर्ष करता है, जैसे कि है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। और इसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य का चयन करें और इसमें जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चयन करें, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। शुद्ध वाक्य होगा समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे।
थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए बस। चार वाक्यांश दिए गए हैं, ए बी सी में अगर त्रुटि है तो ए बी सी चुनिए, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी पर जाइए। ये आपको जो है आंसर देना है इस प्रकार से। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि विकल्प डी सही है। फिर देखिए शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, खड़ा की जगह खड़े होने चाहिए थे, यानी कि यह शुद्ध वाक्य नहीं है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये भी गलत है, छात्र की जगह शिक्षक होना चाहिए था। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये करेक्ट है आपका, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। मनुष्य के कष्ट सुख तनाव एकांत में कब, उसकी जो पुस्तकें होती हैं उसकी मित्र मार्गदर्शक प्रेरक और साथी होती हैं। सही जवाब इसका है एकांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आठ अध्याय हैं जिनमें यह किस समास का उदाहरण है, आठ अध्याय जिनमें यानी कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुव्रीहि समास आएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है। वो मुझसे अलग रहता है, मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द मतलब मुझसे के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो आप जान रहे हैं कि अलग होने की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि अपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कारक पूछा जा रहा है, तो को दान देता है मतलब क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान को या के लिए जो उच्चारण होता है यहाँ पर को आ रहा है तो संप्रदान हो जाएगा। और मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देता हूँ, आप समझिएगा, जो विभक्तियाँ होती हैं कुल मिला के आठ मानी जाती हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी और अष्टमी। कारक होता है कर्ता, कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से या द्वारा, और संप्रदान का क्या होता है को या के लिए, अपादान का मतलब से या अलग होने पर, संबंध मतलब का के की रा रे रे, और अधिकरण में क्या होता है पर होता है, संबोधन में हे ओ अरे होता है। तो यहाँ पर राजा भिक्षुक को बात हो रही है, मतलब यहाँ पर संप्रदान कारक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। धातुयान का पर्यायवाची क्या होगा, धातुयान का पर्यायवाची, देखो जो धातुयान का मतलब राक्षस से होता है, यातुधान, सॉरी 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 सॉरी, यातुधान का जो अर्थ होता है वह राक्षस से होता है, तो इसमें निशाचर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग रखकर कहलाना वर्ण विच्छेद कहलाता है, आप जानते हैं इसके बारे में। फिर वही है कि अगर त्रुटि है तो ए बी सी आंसर दीजिए, नहीं है तो डी को चुनिए। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 22 होगा, फिर इसका जो आंसर है वो आपको देखना है, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ए होगा, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, तो वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इस वाक्य में उसके के स्थान पर उसको होना चाहिए था, बाकी करेक्ट है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से होता है, भारतीय वृत्ति, और इसका अद्भुत रस से होता है, इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। और जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना होता है, ऑप्शन बी। फिर देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करिए, और उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी के 25 प्रश्न आइए डिस्कस करते हैं। राम तैरता है यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है, मतलब यह किस प्रकार की क्रिया होगी, तो राम तैरता है तो यह द्विकर्मक है, अकर्मक है, सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं, या फिर सकर्मक है, सही जवाब इसका क्या होगा, राम तैरता है, तो यह क्या है, यह एक अकर्मक क्रिया के रूप में माना जाता है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तिथि शब्द का बहुवचन रूप आपसे पूछा जा रहा है, तिथि तो आप जान ही रहे हैं, तिथि का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, तिथियां हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण तो पढ़ा होगा, एक संभावना है केवल। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। कौवा के स्त्रीलिंग में निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं जैसे कौवी। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं जैसे कौवानी। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं स्त्री कौवा, या मादा कौवा के पहले मादा लगाते हैं मादा कौवा। सही जवाब ऑप्शन डी होगा ना, कौवानी या कौवी तो होता नहीं है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल यह शब्द है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल यह शब्द है। तो सही जवाब है, कल का अर्थ अवध से है और अवधि का अर्थ है काल से। संख्याओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो संख्याओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, वचन। और यश धन अर्थी, यश धन अर्थी, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप विसर्ग संधि है, यहाँ पर यशार्थी इसका हो जाएगा, यशार्थी। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यश धन अर्थी। यहाँ पर दीर्घ संधि भी हो सकती है, दीर्घ संधि दो सवर्ण हर्ष या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ सवर्ण स्वर बनता है, जैसे अ धन अ मिल गया तो आ बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर यश धन अर्थी अगर होता, डॉट अगर हटा दिया जाए तो यश धन अर्थी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इसका फिर भी यशार्थी ही रहेगा। तो अगर डॉट रहेगा तो विसर्ग संधि, डॉट हटा दिया जाएगा, ये डॉट अगर हट गया यहाँ से तो इसमें दीर्घ संधि आ जाएगी। जिसमें किसी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन का या विकार न हो उसे अव्यय कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, अव्ययी भाव समास याद आ गया। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। प्रश्न है कि सिर आँखों पर बैठाना, सिर आँखों पर बैठाना मतलब बहुत सम्मान देना। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो बनता है शब्द उसे संधि कहते हैं। 19 में हिंदी उपसर्ग होगा उन, और हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का मतलब अकेला होता है, हम का मतलब हम लोग होते हैं, हम हो जाएगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? व्यंजन संधि से बना है, तो व्यंजन संधि से कौन सा बना है बताओ आप। तो यहाँ पर देखो उत धन हार उद्धार, पहला वर्ण व्यंजन दूसरा व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। तो उद्धार का जो जब आप संधि विच्छेद करेंगे ये क्या बनेगा? उत धन हार बनेगा। वक्ता शब्द का विलोम, वक्ता का जो विलोम होता है वो क्या होता है? श्रोता हो जाएगा। स्टेज के उस पार वक्ता होता है, स्टेज के इस पार श्रोता होता है। कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना ना होना? मतलब कहीं ठिकाना ना होना, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कारण का नाश कर देना, ये यही होता है, तो ये तो इसका अर्थ नहीं है। न सावन हरा न भादो सूखा, मतलब हर स्थिति में समान रहना इसका मतलब होता है, ये भी नहीं है। दोनों नावों पर पैर रखना मतलब कहीं ठिकाना न रहना, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। घी शब्द का जो प्रयोग होता है वो किस लिंग में किया जाता है? तो घी खाया जाता है, घी खाई जाती है क्या? नहीं, घी खाया जाता है, यानी कि यह पुल्लिंग होगा। आवृत शब्द का विलोम, आवृत का मतलब, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, मतलब अनावृत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ क्या होगा निंदा का पर्यायवाची? कुत्सा, पर्यायवाची की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मतलब सेम अर्थ रखना चाहिए। बालक से दूध पिया गया है वाक्य वाच के लिए उदाहरण है, तो बालक से दूध पिया गया, सही जवाब कर्मवाच्य होगा ये। और अभूतपूर्व पर्व लिखा गया है, अभूतपूर्व शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, तो अभूतपूर्व होगा ये, अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शब्द अभूतपूर्व का अर्थ है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, एक्चुअली में ये अभूतपूर्व लिखा गया है, अभूतपूर्व होता ही नहीं है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। फिर देखिए कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल माने भी दुष्ट होता है, दुर्जन माने भी दुष्ट होता है, अधम माने भी, अधम और खलक में
अधम और खलक में खलक जो होता है ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। और सही वर्तनी का चयन कीजिए, सही वर्तनी का चयन करना है कृत्रिम या फिर बाकी। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो अ। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न, और बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए और सबसे बेस्ट एमसीक्यूज को लेकर आ रहे हैं। तो लगातार जो है चैनल पर बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए आप लोग मई का पूरा जो करंट है उसको कंप्लीट जरूर करिएगा। इसका वीडियो रोज़ अर्ली मॉर्निंग आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सॉरी। और असल में इसके पीछे एक कारण है, और वो है कि इसमें परीक्षाओं की कापियाँ जो है उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन फिलहाल हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।